कुंवर वियोगी उंदे बारे च। इस्से करियै अज्ज साढ़े कन्नै जुड़े दे श्री मोहन सिंह सलाथिया साहित्य अकैडमी राइटर अवार्डी विनर ते श्री एन डी जम्बाल सर। अगर असें अज्ज इस मौके का फायदा नहीं लिया तो किश गल नहीं बननी। तो सभने शा पहले साधा देंगे श्री मोहन सिंह सलाथिया सर टू रीड आउट पेपर अबाउट कुंवर वियोगी जी। अभी खान पढ़ मंच पर विराजमान साहब जमान साहब लड़े में चौड़िए शिवदेव जी जमान साहब इन्हें सभी की इजाजत करना मैं जरा परचा नहीं पहले लिखे का यह बाकी नहीं चाहे मैं बड़ा खुला खुला लिखा सानण डोगरी कुंवर वियोगी उमर बजोगे दे सानटे पर गल करने थमां पहले आओ मुक्सर की गल सानटे पर करी लैचै ता जे अगे सौख हो जा। दोस्तों सानट 14 सत्रे की एक ऐसी कविता है जिसका अनोखा शिल सदा कवियों के आकर्षण का केंद्र रहा है ते जिस दे च समय समय पर नामी शायर हैं उस्तादी दसते हुए काटा कटने की कटा कटने दियां कामयाब कोशिशां कीतियां जिंदे च पेट्रॉच शेक्सपीयर स्पेंसर ते मिल्टन के नाम तुकोदे तौर पर लैते जा सकते हैं। सानट की बूंद इटली च 13वीं सदी च पई मनी जाती है ते किसी प्रेम कविता के तौर पर मान्यता दी गई दियां शुरुआती समय च गजल की भी अपने महबूब कन्नै गल करने की गै सिर्फ मनिया गया पर बल्ले बल्ले वो आम लोगों के जज्बाते की तर्जमानी करने च सारे कोला अग्गें ही खड़ोती। इंया गै सानट के विषय भी विस्तार पाते गए तो कन्ने गै इसके तकनीकी रंग रूप भी बदलते गए तो ये पश्चिम यूरोप के लिखारियों की मनपसंद विधा बनती गई खास करिए अंग्रेजी के लिखारियों की। अंग्रेज की जे हिंदुस्तान उपर भी हुकूमत करिए गए तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम कन्नै अंग्रेजें असें हिंदुस्तानियों की भी सानट पढ़ाए पर इसके बावजूद असें सानटें की अपनी लेखन विधा का लोकप्रिय अंग नहीं मनिया। यह कारण है कि भारतीय भाषाएं च अजे तक सानट अपना कोई स्थापित थर नहीं बनाई सके। हालांकि हिंदी च त्रिलोचन शास्त्री जैसे बड़े पाए के कवि ने भी सानट लिखने की कामयाब कोशिश की। जो कि पहले गल की जा चुकी है कि सानट की बूंद 13वीं सदी इटली च पई तो जिया कौमा का लैटिनी कि इसका जन्मदाता मनिया जाता है। सानट इटैलियन शब्द सानटू थमां यूज च आया जिसका अर्थ लौकी धोनी गीत या कविता है पर यह लौकी कविता बड़े पक्के सख्त लिंग बची की कविता है। हालांकि इस तजर्बाती तौर पर इसी सौखी के सरल बनाने कई फेरबदल किए गए पर फिर भी ये रिदम के तुक के कड़े निजमे को आजाद नहीं हो सकी। जिया विषय च परिवर्तन आने के बावजूद गजल भी शिल्प के बंधने को आजाद नहीं हो सकी। हालांकि गजल की लई है 20वीं सदी के 7वें-8वें दहाके च खुली गजल ते एक काफिया गजल जैसी जैसे प्रयोग होए पर सानट च इस चाली के प्रयोगों की कोई भाल नहीं पाती। शुरुआती सानट पेट्रोचिन सानट के नाँ कन्ने जाने जाते हैं। इटली के शायर पेट्रोच ने सानट की दो पैरें च बंडी है लिखिया पहला पैरा या हिस्सा 8 लाइने का तो दूआ 6 लाइने का तो उसकी दुकान स्कीम इस चाली रखी थी इस चाली रखी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई जा सी डी सी डी सी डी
मतलब पहली ते चौथी लाइन का काफी है ते दूई ते त्री लाइन का काफी है अब कुछ मिले ते दूई दुगे हिस्से दिए छे लाइने च नौवीं ते बारहवीं दसवीं ते तेरहवीं ते ग्यारहवीं ते चौथवीं लाइन का काफी मिले ते जां फिर नौवीं ग्यारहवीं ते तेरहवीं दसवीं बारहवीं ते चौथी लाइन का काफी मिले ये एक पेशदार दुकांत स्कीम ही इसी शेक्सपियर ने सरल ते आमजन बनाया शेक्सपियर ने इसी चार 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 ते दो लाइन च वंडी है इसने चार हिस्से करी दिते ते दुकांत स्कीम इस चाली रखी ये तौड़े पकड़ च आएगा दिया ए बी सी डी ईएफ ईएफ ते जी जी मतलब पहली त्री दूई चौथी पहली सतवीं ते छेवीं अठवीं नौवीं ग्यारहवीं ते दसवीं बारहवीं का ते तेरहवीं चौथवीं लाइन की काफ़ी आपू जब मिली कुंवर वियोगी होर अपने सानटे आस्तै इसे दुकान स्कीम की अपनाया ते डोगरी च सानटे का तोहफा दिता हालांकि कुतै कुतै दूइये वानगीए की झलक भी मिलती है दोस्तों सानट के शिल्प की लई है त्रै मुख धारा सामने आदियां जियां पेट्रोचन शेक्सपियर स्पेंसर स्पेंसर ने शेक्सपियर की दुकान स्कीम की नहीं अपनाई है एक बखरी काट कटी तो इस चाली की दुकान स्कीम के वजूद आंदा जियां ए बी बी सी बी सी सी डी ते ई मतलब पहली त्री ते दूई चौथी का काफी आपू बिचे मिले तो फिर नौवीं लाइन का काफी पंजवीं ते सतवीं फिर चौथी लाइन का काफी पंजवीं ते सतवीं कन्नै मिले इयां गै अठवीं लाइन का काफी नौवीं ते ग्यारहवीं लाइन कन्नै मिले पर आखिरी दो लाइन उ'ऐ गै जियां शेक्सपियर ने सानट मिल्टन ने अपनी वक्री काट कढ़ी पर इन्हें सारिया वक्री वक्री काटे के बावजूद एक गल इस सांझी रही तो वह गल ही इसका मीटर जिसकी ओंपिक पेंटामीटर के नाँ कहने जाने जाता है कुंवर वियोगी ने भी इस मीटर का निर्वाह करते हुए डोगरी सानट लिखे तो पहलिया वांगा ना की पोथी राय 200 सानटे की भेट डोगरी कविता की 1987 ईस्वी दिखती उन्होंने तक डोगरी सानटे की यह इकली पोथी है हालांकि जिसलै यह किताब छपिए सामने आई ही तो इस नवी विधा की एक चुनौती अंगर स्वीकार करते हुए डोगरी के कई शायर हैं सानट लिखे तो महफिले सुनाए भी पर वो बखारा का ममूली कस गया साबित हुआ मनियादी नहीं बनी सकिया यह कारण है कि अज कत्तीए साले मगरा भी उसने ने दूई बाग नहीं दिती ते कुंवर वियोगी परतावी बांग देने की हिख च खंग सुहागते सुहागते जहाने फाणी थमां कूच होई गई पर पिछा छोड़ी गए अनछपे साहित्य का अनमोल खजाना जिस ते च कहानियां उपन्यास गीत गजलां कवितां ते सानटे की भरमार है यह लगभग कोई बीहें बाईं किताबें का मसौदा है ते उम्मीद की जाती है जे तौड़े गए छपिए थोड़े तक पुजी जाग जेकर इंदे चा सिर्फ सानटे की गल करचै तो डोगरी च कुंवर वियोगी के पहलिया वांगा के अलावा सानटे के दो पुलंदे मेरी नज़र चा गुजरी चुके हैं कुल मिलाइया 400 कोला उपर उपर सानट शामिल इत्थे मैं ये भी दसना लाजमी समझना कि डोगरी के अलावा कुंवर वियोगी के सानटे के दो वॉल्यूम अंग्रेजी छपिए आई गए हैं जिदा तुम दौड़े गए ईबुक के तौर उपर भी पठन करी सकते हो दोस्तों कुंवर वियोगी की शायरी का फलक बड़ा उच्चा ते मुकला है उदी घर या पहलिया वांगा उसी घर या पहलिया वांगा च बनी है नहीं दिखाया परखिया जा सकता उसके आस्ते उसके सबक की भी देखना परखना पौ आत्मसात करना पौ सबक उस दियां रुबाइयां का एक अनछपिया संकलन फी इसके अलावा अनछपिया गजलां गीत कविता ते सानट पहलिया वांगा के अलावा लिखे गए दे विजोगी के सानटे की गल करचै तो उसके प्रेम मुख विषय के तौर पर सामने आता है तो प्रेम चा भी विरहा दे विजोग ते विजोग का थार किश्मा है हालांकि समूचे तौर पर देखा जा तो विषय की भरमार है तो किश ते भलिया अनछूते विषय भी इन्हें सानटे च अपना थार बनाने च कामयाब हो चुके दे असल च विजोग जैसी जैसे विषय का निर्वाह भी विजोगी ने भलिया अशुद्धे ते बखरे अंदाज कीता है इस चाली के सारे सानट विजोगी ने अपनी धर्मपत्नी के विछड़ी जाने के मगरा उसकी चेता करते हुए लिखे दे
कि सानू डोगरी दे साहित्यकारी के लिए भी लिखे दिन जिंदे च प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री।